लिबर ऑफिस ड्रॉ में सामान्य ड्राइंग कैसे करें, इस पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में आप सीखेंगे कि निम्न का उपयोग करके साधारण ड्राइंग कैसे करें, बुनियादी आकार जैसे लाइंस, एरोज और आयत, बुनियादी ज्यामितीय आकार सिंबल्स, स्टार्स और बैनर्स। आप यह भी सीखेंगे कि एक ऑब्जेक्ट को कैसे चुनें, स्थानांतरित करें और डिलीट करें, हाशिया सेट करने के लिए रूलर और ऑब्जेक्ट का स्थान सेट करने के लिए अलाइन टूलबार का उपयोग करें। यहाँ हम उबंटू लिनक्स वर्जन 10.04 और लिबर ऑफिस सूट वर्जन 3.3.4 का उपयोग कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट को परिभाषित करें। ऑब्जेक्ट से तात्पर्य है ड्रॉ में उपयोगित आकार या आकार का समूह, जैसे लाइंस, स्क्वायर्स, एरोज, फ्लोचार्ट आदि। इस स्लाइड में दर्शाए गए सभी आकार ऑब्जेक्ट के रूप में उल्लिखित हैं। फाइल वाटर साइकिल को खोलें जो डेस्कटॉप में सेव की गई थी। हम पहले सीखेंगे कि एक ऑब्जेक्ट कैसे चुनें। मानिए कि हम क्लाउड चुनना चाहते हैं, तो हम सामान्यतः इस पर क्लिक करेंगे। ऐसा करने पर 8 हैंडल्स दिखाई देते हैं। हैंडल्स छोटे नीले या हरे स्क्वायर होते हैं जो चुनित ऑब्जेक्ट के भागों पर दिखाई देते हैं। आप बाद के ट्यूटोरियल्स में हैंडल्स और उनके उपयोग के बारे में अधिक सीखेंगे। अब अपनी ड्राइंग में कुछ अधिक ऑब्जेक्ट जोड़ें। जमीन को प्रस्तुत करने के लिए एक आयत जोड़ें। ड्राइंग टूलबार में बेसिक शेप्स पर क्लिक करें और फिर रेक्टेंगल पर क्लिक करें। अब कर्सर को पेज पर स्थानांतरित करें। आप कैपिटल आई के साथ प्लस का चिन्ह देखेंगे। बाएं माउस बटन को पकड़ कर रखें और आयत बनाने के लिए ड्रैग करें। अब माउस बटन को छोड़ दें। अब जमीन से बादल तक जल वाष्प की गतिविधि को दिखाने के लिए कुछ एरो बनाएं। लाइन बनाने के लिए ड्राइंग टूलबार में लाइन पर क्लिक करें। कर्सर को पेज पर स्थानांतरित करें। आप तिरछे डैश के साथ एक प्लस का चिन्ह देखेंगे। माउस के बाएं बटन को पकड़ कर रखें और ऊपर से तल तक ड्रैग करें। आपने एक सीधी लाइन बना ली है। लाइन में दो हैंडल्स हैं। अब लाइन पर एक तीर शीर्ष जोड़ें। हम अब लाइन को चुनेंगे। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को देखने के लिए राइट क्लिक करें और लाइन पर क्लिक करें। आप लाइन डायलॉग बॉक्स देखेंगे। अब एरो स्टाइल्स टैब पर क्लिक करें और फिर एरो स्टाइल ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें। यह उपलब्ध एरो स्टाइल्स प्रदर्शित करता है। एरो नामक पहले ऑप्शन को चुनें। ओके पर क्लिक करें। यह लाइन के दोनों अंत भागों पर तीर शीर्ष की चुनित स्टाइल को जोड़ेगा, लेकिन हमें तीर शीर्ष केवल लाइन के एक अंत भाग पर ही चाहिए। तो पहले हम कंट्रोल जेड दबाकर इस बदलाव को अंडू करेंगे। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को देखने के लिए फिर से राइट क्लिक करें। अब लाइन टैब पर क्लिक करें। यहाँ एरो स्टाइल्स के नीचे आप स्टाइल नामक फील्ड देखेंगे। आप दो ड्रॉपडाउन बॉक्सेस देखते हैं, प्रत्येक लाइन के अंत भाग के लिए एक। बाएं ड्रॉपडाउन बॉक्स पर क्लिक करें और एरो चुनें। दाएं ड्रॉपडाउन बॉक्स में नन चुनें। ओके पर क्लिक करें। ध्यान दें कि एक तीर शीर्ष लाइन के अंत भाग में जुड़ गया है। हम लाइन्स और एरोज ऑप्शन का उपयोग करके भी एरो बना सकते हैं। अब इस एरो के आगे दो और एरो बनाएं। ड्राइंग टूलबार से लाइंस एंड एरोज पर क्लिक करें और लाइन स्टार्ट्स विद एरो चुनें। कर्सर को ड्रॉ पेज पर स्थानांतरित करें। माउस के बाएं बटन को पकड़ कर रखें और ऊपर से नीचे ड्रैग करें। इस तरह के एरो बनाना आसान है, क्यों ऐसा नहीं है? इसी तरह से एक और एरो जोड़ते हैं। इस ट्यूटोरियल को रोकें और इस नियत कार्य को करें। अपनी फाइल माय वाटर साइकिल में एक लाइन बनाएं। लाइन चुनें और लाइन डायलॉग बॉक्स खोलें। लाइन प्रॉपर्टीज फील्ड में लाइंस के लिए स्टाइल, रंग, चौड़ाई और पारदर्शिता बदलें। एरो स्टाइल फील्ड में एरो की स्टाइल बदलें। अब एक स्टार बनाएं। ड्राइंग टूलबार पर जाएं और स्टार्स के आगे छोटे काले त्रिकोण पर क्लिक करें। अब 5-point स्टार चुनें। अब बादल के बगल में कर्सर रखें। माउस के बाएं बटन को पकड़कर रखें और बाईं ओर ड्रैग करें। आपने एक स्टार बना लिया है। अब सीखते हैं कि ऑब्जेक्ट्स को डिलीट और स्थानांतरित कैसे करें। एक ऑब्जेक्ट को स्थानांतरित करने के लिए इसे चुनें और इसे इच्छित स्थान पर ड्रैग करें। अब माउस बटन को छोड़ दें।
आप ऑब्जेक्ट को स्थानांतरित करने के लिए कीबोर्ड पर अप डाउन और साइड एरो का उपयोग भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को स्थानांतरित करना आसान है, क्या ऐसा नहीं है? एक ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए इसे चुनें और फिर कीबोर्ड पर डिलीट की दबाएं। ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया है, क्या यह आसान नहीं है? अब बुनियादी सहायक रूलर और अलाइन टूलबार के बारे में सीखते हैं। रूलर पेज के मार्जिन के सेटअप और माप की इकाइयों को बदलने के लिए उपयोगित है। अलाइन टूलबार ऑब्जेक्ट के स्थान के लिए उपयोगित है। रूलर सबसे ऊपर और ड्रॉ कार्यक्षेत्र के बाईं ओर प्रदर्शित होता है। माप की इकाइयों को सेट करने के लिए सबसे ऊपर रूलर पर राइट क्लिक करें। आप माप की इकाइयों की एक सूची देखेंगे। सेंटीमीटर पर क्लिक करें। ऊपर रूलर के लिए माप की इकाई अब सेंटीमीटर सेट हो गई है। उसी तरह बाएं पर रूलर के लिए माप सेट करें। सुनिश्चित कर लें कि ऑब्जेक्ट्स माप में बने हों। हमेशा दोनों रूलर्स के लिए समान इकाइयों को सेट करें। आप देखेंगे कि सक्रिय रूलर सफेद रंग में है। रूलर का अंत भाग पेज मार्जिन वैल्यू को दर्शाता है, जिसे हमने पेज सेटअप में सेट किया है। देखते हैं कि रूलर ऑब्जेक्ट्स के लिए माप कैसे दर्शाता है। बादल को चुनें। क्या आप रूलर पर दो छोटे शुरू और अंत के चिन्ह देख सकते हैं? ये बादल के किनारों को दर्शाते हैं। यदि आप इन चिन्हों को रूलर पर स्थानांतरित करते हैं, आप देखेंगे कि आकृति तदनुसार परिवर्तित होती है। रूलर पेज पर ऑब्जेक्ट का आकार दिखाता है। यह हमें पेज पर ऑब्जेक्ट के स्थान और पेज सीमाओं को दर्शाने के लिए भी सक्षम बनाता है। अब दूसरे बुनियादी सहायक अलाइन टूलबार पर जाएं। हम अलाइन टूलबार का उपयोग चुनित ऑब्जेक्ट को दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे और केंद्र में पंक्तिबद्ध करने के लिए करते हैं। अलाइन टूलबार को सक्षम करने के लिए मेन मेन्यू पर जाएं और व्यू पर क्लिक करें। व्यू मेन्यू के नीचे टूलबार्स पर क्लिक करें। आप टूलबार्स की सूची देखेंगे। अलाइन पर क्लिक करें। आप अलाइन टूलबार देखेंगे। अब देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट पंक्तिबद्ध कैसे होता है जब हम अन्य अलाइन ऑप्शंस का उपयोग करते हैं। बादल को चुनें। अलाइन टूलबार पर लेफ्ट पर क्लिक करें। बादल बाईं ओर पंक्तिबद्ध हो गया है। अब दो ऑप्शंस सेंटर्ड और सेंटर के मध्य अंतर समझते हैं। हम वृत्त को सेंटर और फिर सेंटर्ड में पंक्तिबद्ध करेंगे। पहले वृत्त को दाईं ओर पंक्तिबद्ध करें। वृत्त को चुनें और अलाइन टूलबार में राइट पर क्लिक करें। अब अलाइन टूलबार में सेंटर पर क्लिक करें। वृत्त केंद्र पर पंक्तिबद्ध हो गया है। ऑप्शन सेंटर ऑब्जेक्ट को पेज के ऊपरी और तल के हाशिए के ठीक मध्य में केंद्रित करता है। यह ऑब्जेक्ट को पेज की चौड़ाई के अनुसार स्थानांतरित नहीं करता है। अब अलाइन टूलबार से सेंटर्ड चुनें। वृत्त पेज के केंद्र में पंक्तिबद्ध हो गया है। ऑप्शन सेंटर्ड वृत्त को पेज के केंद्र में पंक्तिबद्ध करता है। यह ऑब्जेक्ट को पेज के ऊपरी और तल के हाशिए और पेज की चौड़ाई के अनुसार स्थानांतरित करता है। अब हम ऑब्जेक्ट्स को अपनी नमूना ड्राइंग के अनुसार वापस सही स्थान पर स्थानांतरित करेंगे। इसे बंद करने से पहले फाइल को सेव करना याद रखें। यहां आपके लिए दूसरा नियत कार्य है। माय वाटरसाइकिल फाइल में पेज जोड़ें। इन दो आकृतियों को बनाएं। एरो कीज का उपयोग करके उन्हें स्थानांतरित करें। कोई ऑब्जेक्ट चुनें जिसे आपने बनाया है और उसे डिलीट करें। कुछ ऑब्जेक्ट्स का आकार मापने के लिए रूलर का उपयोग करें। फिर अलाइन टूलबार का उपयोग करें और ऑब्जेक्ट्स को पेज के केंद्र में पंक्तिबद्ध करें। इसी के साथ हम लिबर ऑफिस ड्रॉ पर इस ट्यूटोरियल के अंत में आ गए हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि सामान्य ड्राइंग कैसे बनाएं, बुनियादी आकारों का उपयोग करके जैसे लाइंस, एरोज और आयत। बुनियादी ज्यामितीय आकार सिंबल, स्टार्स और बैनर्स। आपने ऑब्जेक्ट को चुनना और डिलीट करना और ऑब्जेक्ट के उपयुक्त स्थान के लिए रूलर और अलाइन टूलबार का उपयोग करना भी सीखा। निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल का उपयोग करके कार्यशालाएं भी चलाते हैं। उनको प्रमाण पत्र भी देते हैं जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं।
अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी दिए गए लिंक पर उपलब्ध है spoken-tutorial.org/nmeict-intro। यह स्क्रिप्ट देवेंद्र कैरवान द्वारा अनुवादित है। IIT मुंबई की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।